शाहरुख खान का क्रेज दर्शकों के सर पर सवार है। जन्माष्टमी के दिन रिलीज हुई जवान फिल्म ने धमाल मचा दिया है। उसी का नतीजा है कि थिएटर्स फुल किए जा रहे हैं और जवान बम्पर कमाई कर रही है। पठान के बाद किंग खान के जवान बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दी है। ओपनिंग डे पर 75 करोड़ रुपए की बम्पर कमाई करने के बाद शाहरुख ने अपने हेटर्स को साफ तौर पर यह मैसेज दे दिया कि बॉक्स ऑफिस के किंग आज भी वही हैं और जितनी लोकप्रियता उनकी वर्षों पहले थी आज उससे ज्यादा बढ़ चुकी है। दो दिन में ही 200 करोड़ कमाने के बाद शाहरुख खान एक बार फिर से बादशाह बन गए हैं। लेकिन हाल ही में शाहरुख खान के इस फिल्म को चुनौती का सामना करना पड़ा है। दरअसल कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार को नए संसद भवन में फिल्म जवान दिखाने की चुनौती दे डाली। बता दें कुछ दिन पहले नए संसद भवन में सनी देओल के फिल्म गदर 2 की बम्पर सफलता और लोगों का फिल्म को लेकर देश के प्रति प्यार देखने को मिला था, जिसके चलते लोकसभा सांसदों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग हुई थी। अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे शाहरुख खान के फिल्म जवान से जोड़ते हुए मोदी सरकार को चुनौती दे डाली। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, नए संसद भवन में कुछ दिन पहले गदर 2 को दिखाया गया था, क्या मोदी सरकार में जवान की स्क्रीनिंग कराने की हिम्मत है? बता दे गदर 2 ऐसी फिल्म है जिसे नए संसद भवन में दिखाया गया है। इस फिल्म की स्क्रीनिंग 25 अगस्त को हुई थी। गदर 2 ने अब तक तकरीबन 512 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। वही जवान के रिलीज होते ही फिल्म ने धमाल मचा दिया। दरअसल जवान में शाहरुख खान ने एक राजनीतिक संदेश दिया है। मंत्रियों के कामकाज और सरकार पर यह फिल्म कई सवाल खड़े करती है। यही वजह है कि जयराम रमेश ने मोदी सरकार को इस बात की चुनौती दी है। फिल्म ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। 75 करोड़ की बम्पर ओपनिंग के साथ यह फिल्म थिएटर में आग लगा रही है। इटली के डायरेक्शन में बने इस फिल्म को देखने के लिए पिछले 2 दिनों से सिनेमाघरों में खचाखच भीड़ है। इस फिल्म में अब तक कुल 129.6 करोड़ की कमाई कर ली है। देखना होगा फिल्म की संसद में स्क्रीनिंग होती है या नहीं। ये खबर आपको कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।